Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. देखिए यजमान जी, पाठ अच्छा करता है श्रीधर, ये मानता हूँ मैं, और आप उससे प्रभावित भी अवश्य हैं, किंतु आनंदित होकर के अधिक संभावना देने की आवश्यकता नहीं है उसे। जो उचित है वही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि संभावना में स्वर्ण मुद्राएं ही स्वीकार करता है। यजमान, श्रद्धा से कुछ भी दे दो, स्वयं को प्रमाणित करने के लिए संभावना को अहंकार वश दान में दे देता है। अब ये देने वाले की श्रद्धा का अपमान नहीं है तो और क्या है? ढोंगी है वो, ढोंगी। नहीं नहीं, इतने धर्मनिष्ठ पंडित अहंकारी हो, मुझे विश्वास नहीं होता। यजमान, यही तो ढोंग की पराकाष्ठा है। आपको मेरे कहे पर विश्वास नहीं है तो स्वयं संभावना देकर के देख लीजिए। माता रानी की कसम, ये यहाँ से निकलेगा और आपकी दी हुई संभावना बांट देगा। इसे क्यों बुला लिया आपने यहाँ? बचपन की सहेली को भला कौन भूल सकता है? मैं भुलाने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, किंतु ऐसे शुभ अवसर पर ये उचित नहीं किया आपने। क्या आपको ज्ञात नहीं? नहीं, ये निस्संतान है। इसकी गोद अभी तक नहीं भरी। ज्ञात है, किंतु इसमें अनुचित क्या है? मुझे लगता है आपको ये नहीं पता कि ऐसे संतान रहित स्त्री को ऐसे शुभ अवसर पर आना अशुभ माना जाता है। इतने समय बाद आपको माता रानी का आशीर्वाद मिला है, उस पर आप ये संकट की छाया क्यों पड़ने देना चाहती? अपनी होने वाली संतान पर आप ये अशुभ साया पड़ने देना चाहती हैं, तो उसे निकट आने दीजिए। अब हमें अनुमति दीजिए। वही रुको, वही रुको। आगे मत बढ़ना। मुझे क्षमा करना सखी, प्रश्न मेरी होने वाली संतान का है, इसीलिए मैं किसी भी प्रकार की विपदा की संभावना भी अपनी संतान के लिए नहीं चाहती। आज यहां मैं कोई अपशगुन नहीं चाहती। क्षमा करना सखी। संभावना स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। जय माता की। जय माता की। जय माता की। जय माता की। चलो श्री। श्रीधर, आज जीवन की अंतिम संभावना प्राप्त कर रहे हो तुम। बस एक बार ये संभावना किसी को दान तो दे दो, फिर संभावना की संभावना ही मिट जाएगी।
दीक्षां दे भगवान के नाम पे, कुछ दीक्षां दे ईश्वर के नाम पे, कुछ दीक्षां दे। क्या हुआ आज ही कुछ बात क्यों नहीं रहा? दो दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। शीघ्र संभावना एकत्र कर भंडारा करूंगा, तब माता के दर्शन का सुख प्राप्त होगा मुझे। इतने दरिद्र हैं यहाँ, इसने देखा तक नहीं। कहीं मैं झूठा ना बन जाऊं, कुछ तो करना होगा मुझे। श्रीधर, अंततः तुम्हें भी माया मोह ने जकड़ ही लिया। चलो मैं अकेला नहीं रहा, तुम्हें भी संभावना के लालच ने अपने बंधन में बांध ही लिया। ऐसा नहीं है नयनसुख जी, किंतु भंडारे के संकल्प के लिए धन तो एकत्र करना ही होगा, तभी तो माता रानी के दर्शन पा सकूंगा। मेरे तो जीवन का एक ही ध्येय है, माता रानी के साक्षात दर्शन। ओहो, ऐसे तो मेरी चाल उल्टी पड़ जाएगी। आज इसने दान नहीं किया तो भूल स्वामी मुझे झूठा मानकर सभी पूजा से मेरा बहिष्कार करवा देंगे। किंतु श्रीधर, इन निर्धनों की ओर तो देखो, वो तो बस तुमसे आस लगाए हैं, क्या होगा उनका? भगवान के नाम पे कुछ दीजिए, बहुत भूखा हूँ। लगी है हे माता रानी, मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो आपके भंडारे के लिए धन एकत्र कर रहा था, किंतु मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी। मेरी पूजा उनकी भूख से बढ़कर नहीं, मुझे स्मरण कराने के लिए धन्यवाद। ये तो बड़ी सरलता से मान गया, बस हो गया मेरा कार्य। यजमान, श्रद्धा से कुछ भी दे दो, स्वयं को प्रमाणित करने के लिए संभावना को अहंकार में दान कर देता है। अभी देने वाले की श्रद्धा का अपमान नहीं है तो और क्या है? ढोंगी है ये, ढोंगी। जय माता की। मेरे इस अपमान का परिणाम भुगतना होगा श्रीधर पंडित को। एक ओर श्रीधर नयन सुख के जाल में उलझ चुका था, वहीं दूसरी ओर नयन सुख की पत्नी सुलोचना को उलाहना दे रही थी। तब तो गणेश जी, सुलोचना का हृदय तो बहुत आहत हुआ होगा ना? नहीं पुष्पदंत जी, अपशकुन फैलाने आई है ये, थोड़ी भी लज्जा होती तो स्वयं ही नहीं आती यहाँ, अभी भी यही खड़ी है, लौटती ही नहीं। स्वयं की कोई संतान नहीं, इसलिए अपने सखी से ईर्ष्या कर रही है ये। त्याग दीजिए इंद्रजालों को और चलाए रखे अपनी भक्ति, अपने विश्वास की नौ को। माता वैष्णो देवी के दर पर देर है, अंधेर नहीं। मुझे भी पूर्ण विश्वास है, माता रानी कोई उपाय अवश्य करेंगे। नहीं, ना कोई अपशकुन, ना ही कोई ईर्ष्या, इन सब से प्रभावित होकर नहीं आई हूं मैं तो। सभी की भांति अपनी सखी को भविष्य की शुभकामनाएं देने आई हूं। हम सभी को ये भ्रम है, हमने जो भी अर्जित किया है वो हमारे कारण है, किंतु सत्य तो ये है कि जो भी हमें मिलता है माता रानी की कृपा से ही मिलता है। उनकी दृष्टि में हम सब एक समान हैं। उनके लिए ना कोई शुभ है ना अशुभ। यदि अन्यों को संतान का सुख मिला है तो उसका ये अर्थ नहीं कि मैं अशुभ हूँ। अशुभ होने का कारण तो एक ही है, निम्न कोटि की सोच होना। मुझे विश्वास है एक दिन वो मेरी भी गोद अवश्य भर देंगी, और संभव है यदि वो अभी मुझे ये सुख नहीं दे रही हैं
तो मुझे उनके लिए अभी और महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। सब जानकर भी मेरी बचपन की सखी मुझसे भेंट नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं शांति से लौट जाऊंगी यहां से। श्रीधर जी, जो मैंने दिया उसे इस प्रकार बांटकर अनुचित कर रहे हैं आप। मैं क्षमा चाहता हूं, आपने जो दान दिया अब वो मेरा है, और जो मेरा है वो मैं दरिद्रों में, निर्धनों में, भूखों में बांट रहा हूं। इसमें कुछ बुरा नहीं, अच्छा ही है। यह अनुचित कैसे हो सकता है? नहीं, ये मेरा अपमान है, क्योंकि मेरी दी हुई संभावना को बांटकर आप मुझे ये दिखा रहे हैं कि मेरी दान सामग्री आपके लिए व्यर्थ है। ऐसा नहीं, ये मेरे जीवन का नियम है। जो भी मेरे लिए एक दिन के लिए आवश्यक होता है मैं बस उतना ही रखता हूँ। आवश्यकता से अधिक जो होता है मैं सदा उसे बांट देता हूँ। आप बातें बनाकर और अत्यधिक अपमान कर रहे हैं मेरा। आप इसे अपमान मान रहे हैं? आप तो स्वयं विद्वान हैं, आप भी जानते हैं दरिद्रो नारायण, अर्थात दरिद्र में ही नारायण का वास होता है। आपने जो दान दिया भगवान के जो सबसे निकट होता है मैंने उन्हें बांट दिया। इसमें तो आपका सम्मान हो रहा है, अपमान नहीं। क्या क्या कहा तुमने श्रीधर? कि जो धनी है उनके घर नारायण का वास नहीं होता? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, किंतु आपका ज्ञान तो यही कह रहा है। यदि आप ये मानते हो जहाँ धन है वहाँ नारायण नहीं, तो आप मेरे घर आ ही क्यों? जो निर्धन हैं उनके वहाँ जाकर पूजा करवाते, किंतु आएंगे यहीं, क्योंकि अधिक संभावना तो यहीं से प्राप्त होती है। श्रीधर जी, सत्य तो ये है कि आपको लालच है, स्वर्ण मुद्राओं का लालच। अधिक संभावना के लालच में मैं कहीं नहीं जाता। यजमान प्रसन्न होकर जो दे देते हैं मैं उसी में प्रसन्न रहता हूं, वो चाहे फिर एक चावल का दाना क्यों ना हो, वो भी मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा, तो चावल का एक दाना बहुत है? हाँ, मानो तो चावल का एक दाना भी बहुत है। तो फिर चलिए चलिए, उस अवस्था में दुर्गा सप्तशती के नौ पाठ प्रतिदिन एक माह के लिए कीजिए, और इसके लिए मैं स्वयं आपके घर आकर पके हुए चावल का एक दाना दूंगा। कहिए स्वीकार है? बड़ी बड़ी बातों के लिए तो बड़ा मुख खुल रहा था, अब क्या सांप सूंघ गया? यदि आपने जो कहा था वो सत्य था तो खोलिए अपना मुख और लीजिए संकल्प कि या तो एक माह तक एक चावल के दाने से संतोष करेंगे, या फिर माता की भक्ति को त्याग देंगे। एक चावल के दाने से संतोष करेंगे, या फिर माता की भक्ति को त्याग देंगे। माता, श्रीधर के साथ ये क्या हो रहा है? मेरे भक्त की भक्ति की परीक्षा में उसकी भक्ति का प्रमाण मांगा जा रहा है। एक संपूर्ण मास प्रतिदिन मात्र एक दाना अन्न, उस पर भला कोई कैसे जी सकता है? श्रीधर ने अवश्य ये अस्वीकार कर दिया होगा, है ना गणेश जी? और सुलोचना, क्या उनका उपहार उनकी सखी ने स्वीकार किया? कहो सखी, आगे बढूं या लौट जाऊं?
उत्तर दीजिए श्रीधर जी। मेरा प्रस्ताव स्वीकार है आपको? सखी, आशा तो ये है कि तुम मुझे आगे बढ़कर कि उपहार तुम्हें देने दोगी। नहीं, तुमसे कोई उपहार नहीं चाहिए मुझे सखी। माता रानी का कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है तुम्हें, इसीलिए तुम्हारी गोद अभी तक नहीं भरी है, यही कहा था ना तुमने? तो जाओ, पहले माता रानी का कार्य करो। यहाँ अपना, मेरा और हम सभी का समय व्यर्थ मत करो। और कुछ सुनना शेष बचा हो तो रुक जाओ, अन्यथा चली जाओ यहाँ से। उचित है सखी, मैं जाती हूँ। क्या हुआ श्रीधर जी? शांत और स्तब्ध हो गए? अपने शब्दों को पूर्ण करने का साहस नहीं है ना? तो त्याग दीजिए माता की भक्ति को, त्याग दीजिए माता की भक्ति को। सज्जन पुरुष होने का स्वांग मत कीजिए, त्याग दीजिए स्ट्रांग को। तो त्याग दीजिए माता की, सज्जन पुरुष होने का स्वांग मत कीजिए, त्याग दीजिए स्ट्रांग को। माता रानी पर मेरा विश्वास नहीं टिक सकता। माता रानी जो कहती है, जो चाहती है, मैं वही करता हूं। असंभव है, ये भी माता रानी की ही परीक्षा है। जब परीक्षा देने वाली भी वो है और उद्धार करने वाली भी वो है, तो मैं भी संकल्प लेने को प्रस्तुत हूं। संकल्प लेने को प्रस्तुत। एक माता मैं भू स्वामी जी के प्रस्ताव के अनुसार प्रतिदिन 9 बार संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगा। प्रत्येक रात्रि पाठ के अंत में संभावना में चावल का एक दाना पाकर उसी से जीवन यापन करूंगा। और अगर ऐसा करने में मैं असमर्थ रहा तो आजीवन माता रानी की भक्ति नहीं करूंगा। इतना कठोर संकल्प ले लिया स्वामी ने, ऐसा गुण है जो व्यक्ति को सुख के साथ आत्मबल भी देता है।